जगदात्री, ये नहीं हो सकता। मैं कह रही हूँ मुझे सिंदूर लगा दो, लगा दो मुझे सिंदूर। जगदात्री, मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ ना, और अभी कहा तुमने कि तुम भगवान की तरह रक्षा कर रही हो, तो मेरे प्यार की भी रक्षा करो ना प्लीज। तुम्हें दिल में रखने की जरूरत नहीं, बस तुम्हारे दोनों हाथों में रखना। मुझे मेरी जिंदगी में जो नहीं मिला वो मैं तुम्हें वापस दिलवाऊंगी, ये मैं प्रॉमिस करती हूँ। आज से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। शांति मिली। एक बात आप याद रखिएगा, सच को सामने लाने के लिए मैं सब कुछ कर सकती हूँ, सब कुछ। कौन सा सच? कौन? कौन सा सच बताने के लिए तुम यहाँ आई हो इतनी रात को? ये सिंदूर दान की रस्म यहाँ क्यों हुई है? क्या चल रहा है, क्या चल रहा है इस मुखर्जी हाउस में? क्या छुपाया जा रहा है? ऐसा कौन सा राज है, मुझे जवाब दो, जवाब दो कौशिकी। कौशिकी, क्यों इतनी रात तक तुम इस सिंदूर दान की रस्म का इंतजार आखिर क्यों कर रही थी? मुझे बताओ, चुप मत रहो, मुझे जवाब दो बताओ कौशिकी, मुझे बताओ। तुम दोनों अंदर जाओ, जाओ अंदर जाओ तुम दोनों। चाची जी प्लीज संभालिए अपने आप को। अगर मैं गलत नहीं हूं तो इसके बाद आप पुलिस कस्टडी में उत्सव को देखेंगी। बेटे को संभालिए। ये सब तुम्हें कैसे पता? Six cents. तुम इस कमरे में क्या कर रहे हो? ये सवाल तो मैं पूछूंगा। तुम दोनों इस कमरे में क्या कर रहे हो? तुम दोनों का लगेज पैक करके रखा है, यहां से रात के अंधेरे में गाड़ी लेकर घर चल जाओ। क्या हुआ, किसे फोन कर रहे हो तुम? तुम्हारे पापा को, तुम्हारी माँ को, तुम्हारे परिवार को। जगदात्री, अगर ये स्वयंभू तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं ले सकता तो इसे लेकर तुम घर चली जाओ। बेस्ट प्रपोजल दिया है देव सान्याल ने, तुम्हारे पापा ने। इस लड़के को घर जमाई बनाकर रखेंगे वो। क्या
हुआ किसे फोन कर रहे हो तुम उत्सव? उत्सव फोन मत करो उत्सव, उत्सव। इतनी रात को किसका फोन है? क्या पता, समझ में नहीं आ रहा है, नंबर तो अननोन लग रहा है। हेलो, कौन बोल रहे हैं? उत्सव मुखर्जी बोल रहा हूँ। क्या चाहते हो, क्या चाहते हो बताओ। क्या चाहता हूँ मतलब? आपके हस्बैंड, आपके परिवार वाले आकर यहाँ खड़े होकर सर्कस देखकर गए, आपकी बेटी यहाँ सर्कस करके गई, फिर वही बेटी बेशर्मों की तरह फिर से इस घर में आ गई, और अब तो मांग में सिंदूर भर के कमरे में भी आ गई। ये क्या बोल रहे हो तुम? सुनिए। क्या बोल रहा है? आपकी बेटी मांग में सिंदूर भरकर कमरे में गई है। कौन? जगद्धात्री। जगद्धात्री की शादी नहीं हुई है, उसने गोली चलाई थी। मैंने क्या कहा, तुम्हें सुनाई नहीं दिया क्या? हा? मैं अपनी बेटी को लेकर पूरा कंफ्यूज हूँ। उसने रिवॉल्वर चलाई, गोली मारी है एक आदमी को। मेरी बेटी क्या करती है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लाओ मुझे फोन दो, मैं बात करता हूँ। हाँ उत्सव, बोलो क्या बोल रहे हो। अपनी बड़ी बेटी को यहाँ से लेकर जाइए, नहीं तो यहाँ पर एक और गोली चलेगी। शूट कर दूंगा मैं आपकी बेटी को। हा? मेरी बेटी को शूट कर दोगे तुम? हाँ शूट कर दूंगा आपकी बेटी को। मेरे पास पिस्तौल है, हमारे परिवार के पास पिस्तौल है, हमारे पास लाइसेंस रिवॉल्वर है। शूट कर दूंगा आपकी बेटी को, समझ गए आप? लेकर जाइए आपकी बेटी को अभी। शूट कर देगा बोल रही है तो? आप फोन मुझे दीजिए, लाइए मुझे दीजिए, शूट कर दो। मैं बोल रही हूँ तुम्हें, शूट कर दो जगद्धात्री को, जाओ मार डालो जगद्धात्री को। क्या बोल रही हो तुम? बहू, ये तुम क्या बोल रही हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? आप सोने जाइए माँ जी। ठीक से बात करो। मैं ठीक से बात कर रही हूँ। आपकी बड़ी पोती उस घर में क्या सीन क्रिएट कर रही है आप जानती नहीं है? आपने अपने बेटे के मुंह से नहीं सुना? आपकी बड़ी पोती वहाँ जाकर कौन सा सीन क्रिएट कर रही है सुना नहीं आपने? उस घर में जाके आपकी बड़ी पोती छानबीन कर रही है, रिवॉल्वर पकड़ रही है, गोली मार। वो गोली कैसे मार सकती है, रिवॉल्वर कैसे चला सकती है? वो तो कोई ऐसे ही नहीं कर सकता है। ए, 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 उपासना, तुझे अगर एक रिवॉल्वर दे दिया जाए तो गोली चला सकती है? नहीं। आराधना तू? नहीं। नुपुर, नुपुर तुम चला सकती हो? हाँ नहीं नहीं नहीं, हम बेटी बहुए तो बिल्कुल नहीं चला सकती हैं। तो फिर उसने कैसे किया, उसने कैसे, फिर उसने रिवॉल्वर कैसे चलाई, बोलो कैसे चलाई, इस बारे में आपने सोच कर देखा है? नहीं मैं सोच भी नहीं सकता। हाँ आप कैसे सोचेंगे, आप कैसे सोचेंगे ये सब, इस घर के सारे लोग तो बेवकूफ है। ए, ए, मुमा, ए, मुमा, तू चला सकती है? तू भी नहीं चला सकती और मैं भी नहीं चला सकती, फिर उसने कैसे चला ली, उसने कैसे कर लिया उसने, और आप बोल रहे हो उसने एक आदमी को गोली मारी है? उस आदमी के हाथ में गोली मारी है। स्वयंभू को शूट कर दूंगा। रिवॉल्वर नीचे करो, रिवॉल्वर नीचे करो उत्सव। शूट कर दूंगा मैं स्वयंभू को। तुम मुझे नहीं जानती, निकल जाओ यहाँ से। तुम्हारी तुम्हारी माँ तक तुम्हारे साथ नहीं है, तुम्हारा परिवार तुम्हारे साथ नहीं है। गेट आउट, जस्ट गेट आउट, जस्ट गेट आउट फ्रॉम माई हाउस, अदरवाइज आई विल शूट हिम। निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ। तुम हमें जानते नहीं हो उत्सव, तुम हमें रिवॉल्वर मत दिखाओ, रिवॉल्वर नीचे करो। तुम्हें समझ नहीं आ रहा तुम क्या कर रहे हो? क्या नहीं समझ रहा हूँ मैं, सब समझ रहा हूँ, जैसा न्याल समझ रहा हूँ मैं। तुम जैसा न्याल हो ये हमारे परिवार में कोई नहीं जानता। वो लोग तो ये भी नहीं जानते कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड थी और तुम्हारे साथ मेरे नाजायज संबंध भी थे। स्वयंभू इसे समझाओ, इसने मेरे सर पर रिवॉल्वर रखा है। स्वयंभू उत्सव को बोलो रिवॉल्वर नीचे करे। ये समझ नहीं रहा, इसने मेरे सर पर रिवॉल्वर रखा है।
इसने जैस सन्याल के सर पर रिवॉल्वर रखा है। स्वयंभू इसे समझाओ, स्वयंभू। बहुत सालों से ट्रेनिंग ली है, मारूंगी तो सीधा चिता ही जलेगी तुम्हारी, समझे? तुम मुझे जानते नहीं हो, सब बोलूंगे एनकाउंटर में मारे गए हो। और तुम मुझे रिवॉल्वर दिखा रहे हो। बोलो, इस रिवॉल्वर का लाइसेंस किसके नाम पर है? बताओ, किसके नाम पर? राजनाथ मुखर्जी के नाम पर। बहू, तुम इतनी रात गए किसे फोन कर रही हो? राजनाथ मुखर्जी को। क्यों? क्यों मतलब? उनके घर में इतना बड़ा कांड हो गया, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? उनके घर की बहू के प्रति उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं? क्या सोचा उन्होंने? जो मन में आएगा करेंगे। उस घर की बहू मेरी बेटी मेहंदी इस घर में बैठ के रो रही है, अपने कमरे में आंसू बहा रही है, और मैं कमरे में उसके आंसू पोंछ रही हूँ, और वो लोग कुछ नहीं कर रहे। और उधर वो आपकी जगधात्री उस घर से हर तरह का एडवांटेज ले रही है। वो क्या सोच रही है? वो उस घर की बहू है, उनके साथ उसका क्या रिश्ता है? नहीं नहीं, उनके साथ उसका क्या रिश्ता है? आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी। तबीयत तो खराब होगी ही मेरी, होगी ही। नुपुर मेरी बेटी की तरफ देखा नहीं जा रहा मुझसे। तुम अपना दिमाग ठंडा रखो। कैसे अपना दिमाग ठंडा करूं? आपने जो कहा वो सुनकर अपना दिमाग कैसे ठंडा करूं? सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। वो बंदूक चला रही है, जगधात्री कौन है वो? दादी, मॉम को सब बता दूं क्या? नहीं नहीं, चुप, अभी कुछ मत बोलना। दादी, मुंह बंद रख, कुछ हुआ तो जगधात्री खुद बता देगी वो कौन है। उस दिन इस परिवार में सबको समझ आएगा कि उसकी कितनी अवहेलना हुई है। वो लड़की घर के एक कोने में रहकर अकेले अकेले लड़कर कितनी बड़ी ऑफिसर बनी है। बस कुछ भी मत बोलना, चुप कर। नानी, आप क्या बात कर रही हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहू, एक बात कहूं? क्या? मैं कह रही थी कि हो सके तो बेटी दामाद को घर ले आओ। अपना गुस्सा, नफरत ये सब भुलाकर सान्याल परिवार की इज्जत के बारे में सोचो। माँ होने के नाते मैं तुम दोनों से इतनी तो विनती कर ही सकती हूँ ना? मैं कुछ नहीं जानती हूँ, कुछ नहीं जानती मैं। इस घर में स्वयंभू और जगधात्री नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। अगर जरूरत पड़ी तो मैं राजनाथ मुखर्जी के साथ खुद बात करूंगी। राजनाथ मुखर्जी के नाम पर लाइसेंस है? ये रिवॉल्वर आपके भाई ने मेरे सर पर रखी थी मुझे मारने के लिए। अगर इस रिवॉल्वर से एक भी गोली निकलती तो ये तो अरेस्ट होता ही, राजनाथ मुखर्जी भी अरेस्ट कर लिए जाते। इस तरह का खिलौना यहाँ पर मत रखना आप। इस तरह के खिलौने बाजार में बहुत बिकते हैं, चोर बाजार में भी बिकते हैं, लेकिन इसे चलाने के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए, हिम्मत चाहिए, अपनी नर्व्स पर कंट्रोल चाहिए। आपके भाई को इससे खेलने से मना कर दीजिए। आप रखिए इसे। जिसकी चीज है मैं उसे लौटा दूंगी। जाने दो उत्सव, चल।
कमरे के बाहर चल, इन्हें अकेला छोड़ दे, इन्हें थोड़ी बातें करने दे, चल। क्या बात करेंगे, क्या बात करेंगे? अब जानती हैं ये लड़की कौन है? आप पहचानती हैं ये लड़की कौन है? इस लड़की के दिल में खोट है। इस लड़की का चरित्र जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये लड़की कितनी घटिया है आप सोच भी नहीं सकती बड़ी दीदी। शी इज जस्ट अ उत्सव, ठीक से बात करो। मैं भी एक लड़की हूँ, एक लड़की के सामने तुम दूसरी लड़की की ऐसी बेइज्जती नहीं कर सकते। हजार बार कर सकता हूँ, हजार बार बेइज्जती कर सकता हूँ मैं। इस लड़की के साथ मेरा अफेयर था, इस लड़की के साथ मेरा रिलेशन था। ये लड़की कितने दिनों तक, कितनी रातों तक मेरे साथ अलग अलग होटेल्स में बड़ी दीदी। इस मामले में मैं तुझसे कहीं ज्यादा जगधात्री पर यकीन करती हूँ। इतने दिनों से बिजनेस चला के, अखबार के पन्नों पर न्यूज बेच के, इतने सारे एडिटोरियल लिख के, इतनी समझदारी तो मुझ में आ गई है कि कौन सा झूठ है और कौन सा सच। मेरे भाई ने तुम्हारे बारे में जिन बुरे शब्दों का इस्तेमाल किया है उसके लिए आई एम सॉरी। जाने दो, तुम लोग बची हुई रात में एक दूसरे के साथ समय बिताओ, हम जा रहे हैं। उत्सव चल। क्या हुआ उत्सव? उत्सव चल। बड़ी दीदी, आपने उसके सामने मुझे थप्पड़ मारा? मारा। इसकी बदौलत तू अभी तक इस घर में खड़ा है, नहीं तो अभी तक तू और राजनाथ मुखर्जी दोनों जेल में होते। सुनिए, आपसे कोई मिलने आया है। Just 5 minutes. Thank you. पापा, एक मिनट। गरिमा, एक मिनट। क्यों दीदी? मैं इनके साथ पर्सनली बात करना चाहती हूँ। क्या तुम स्वयंभू का खून करने गए थे? प्रीति, यकीन करो। तुम स्वयंभू का खून करने गए थे या नहीं गए थे? प्रीति, सुनो मेरी बात। तुम स्वयंभू का खून करने गए थे या नहीं गए थे? प्रीति, अभी ये सारी बातें रहने दो। तुम स्वयंभू का खून करने गए थे या नहीं? मैंने तुमसे प्यार में शादी की थी। तुम्हें जो जो खामियां थी वो सब अपने परिवार से छुपाई थी मैंने, छुपकर शादी की थी तुमसे मैंने। अपनी शर्म बेचकर मैं इस घर में पड़ी हुई हूँ। तुम इस घर में एक घर जमाई बनकर रहते हो, इसके बाद भी तुम में इतना लालच किस बात का? कितने पैसों की जरूरत थी कि तुम स्वयंभू का खून करने गए थे, बोलो? कितने रुपयों की जरूरत थी कि खून करने गए थे, बोलो? देबू, बोलो बोलो, खून करने क्यों गए थे, बोलो? नहीं नहीं, मैं नहीं गया था। क्या तुम खून करने नहीं गए? तुम खून करने नहीं गए? हाँ, लेकिन 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 साइना ने तो कहा कि तुम गए थे खून करने। हाँ, क्या बात है? मैं खून करने नहीं। आपको कैसे पता चला राजनाथ मुखर्जी को जेल हो जाती?
वही सिक्स सेंस। तुम जितना जानती थी मैं भी बस उतना ही जानती थी। मैंने सिर्फ एक ही गलती कर दी कि मैंने देबू जी को कंसिडर नहीं किया। बाकी तुमने और मैंने सेम ही जज किया था। जो भी है तुम दोनों साथ में समय बिताओ। गुड नाइट। एक बात बोलूं? क्या? तुम लोग मानो या ना मानो, लेकिन जब तुम लोग इस घर में आए थे तब तुम दोनों शादीशुदा नहीं थे। उम्मीद है ये बात तो तुम मान ही लोगी। इतना तो मैं तुमसे एक्सपेक्ट कर सकती हूँ, है ना? तुम लोग आज से न्यूली मैरिड कपल बन गए हो। आज से तुम दोनों का दाम्पत्य जीवन शुरू होता है। क्यों, है ना? निकालेंगे नहीं आप हमें? क्यों? ये मेरा काम नहीं है, राजनाथ मुखर्जी का काम है। गुड नाइट। तुम जाओ यहाँ से, तुम जाओ। जरा जल्दी कीजिए। तुम यहाँ से जाओ प्रीति, प्लीज। क्यों? प्रीति, मुझे लगता है यहाँ पर कोई वॉइस रिकॉर्डर है, कोई कैमरा है। मुझे लग रहा है कोई हमें देख रहा है। प्रीति तुम जाओ। लेकिन तुमने तो कहा कि मैं ही खून करने गया था। जाओ। देबू मेरी बात सुनो। देबू, ये क्या था? उसने तो कहा कि वो खून करने नहीं गया था। नहीं, उसने कहा वो खून करने नहीं गया। पापा क्या? पापा, उसने कहा कि वो खून करने नहीं गया था। हाँ, पापा, उसने कहा वो खून करने नहीं गया था। पापा, शुरुआत में सब ऐसा ही बोलते हैं, उसके बाद बहुत से रास्ते हैं, बहुत से तरीके हैं जिससे मैं खून करने नहीं गया था से मैं खून करने गया था हो जाता है। सारा सच बहुत जल्दी साबित हो जाएगा। अभी घर जाइए, बहुत रात हो गई है, इसलिए यहां मत रुकिए। जाइए, आप आराम से इन्हें घर लेकर जाइए। एक मिनट ऑफिसर। अच्छा, आपने इसे तो अरेस्ट किया है। अच्छा, जो जगधात्री नाम की लड़की है, उस लड़के का फंक्शन क्या है? मतलब वो तो उस घर में खाना वाना बना रही थी, पनीर के कोफ्ते बना रही थी, घर बसा रही थी, स्वयंभू से शादी की है। वो लड़की उस घर में जबरदस्ती पड़ी है बिना परमिशन के। उस लड़की के साथ आप लोगों का क्या रिश्ता है? मतलब उस लड़की ने तो रिवॉल्वर से गोली चलाई थी, उसे अरेस्ट क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया, मैं बस यही पूछ रहा था, क्यों नहीं किया? क्या देख रहे हो? मांग में सिंदूर चमक रहा है, बहुत सुंदर लग रही हो तुम। पता है, इस रात की चांदनी ने तुम पर एक अलग ही नूर बरसाया है। मैंने जगधात्री को बहुत बार देखा है, बहुत रूप में देखा है, लेकिन मैंने अपनी पत्नी के रूप में कभी नहीं देखा। आज से तुम मेरी सच्ची वाली पत्नी हो, मेरी वाइफ जगधात्री मुखर्जी, इस मुखर्जी परिवार की बड़ी बहू।
हाथ जोड़कर एक बात बोलूं? क्या? इस परिवार के सदस्यों को सजा मत देना, सुधार जरूर करो। इस परिवार का बेटा होने के नाते मैं तुमसे विनती करता हूं, इस परिवार की पुत्रवधु जगदात्री मुखर्जी का जो कर्तव्य है। स्वयंभू, स्वयंभू फ्रेश हो जाओ, बहुत रात हो गई है। एक बात बोलूं? क्या? बुरा तो नहीं मानोगी? नहीं। करना चाहते हो? टच नहीं करूंगा, बेड पर सोना। स्वयंभू, सच में तुम ना स्वयंभू बदमाश हो गए हो, पता है? अब तो मुझे फुल टू अधिकार है तुम्हारे साथ। लड़की ने जिसको गोली मारी, वो आदमी कौन था? कुछ ज्यादा ही सवाल कर रही हैं। जाइए यहां से, जाइए। ओके, चल चल यहां से, चल। मैं खून करने नहीं गया, ये बातें मोबाइल में रिकॉर्ड करके रखी है। मतलब? पत्नी, पत्नी का रिश्ता बहुत बड़ा होता है, वहां पर गहरी राज की बातें भी धीरे से पति बोल देते हैं। बाक्षी, तुम जरा उस कमरे में जाओ। क्यों सर? उस कमरे में जाओ। ओके सर। सॉरी इतनी रात को डिस्टर्ब करने के लिए। समरेश चट्टोपाध्याय, फेमस साहित्यकार, इतनी रात को मेरे कमरे में प्यार करने आए हैं क्या? मेरा चरित्र मैं यहाँ खराब नहीं करना चाहता। माइंड योर लैंग्वेज समरेश, इतनी रात को किसी औरत के कमरे में आकर इस तरह से बात नहीं करते, इतने भी मैनर्स नहीं है तुम्हें। तुम तो एक लेखक हो, एक बड़े साहित्यकार हो। चुप, और एक शब्द भी नहीं। मैं जो जानने आया हूँ उसका जवाब दीजिए। क्या? आप जगदात्री सान्याल की शादी में गई थी, कौशिकी के घर? हाँ गई थी। क्यों गई थी? गई थी तो क्या हो गया, मैं तो देखकर आई हूँ तुम्हारे ससुराल के काले कारनामे, आपस में ही खून खराबा और फिर गोली मारना और खुद ही अरेस्ट भी होना, और कल सुबह की ये हेडलाइन होगी। नहीं होगी, मैं आपको यही बताने आया था, कल आप ये हेडलाइन नहीं छापेंगी। क्यों नहीं छापूंगी? किसी ने फोन किया था क्या? किसी ने रिक्वेस्ट की है? कौशिकी मुखर्जी ने फोन किया था ना? कौशिकी मुखर्जी आपकी तरह चीप नहीं है, उसकी मेंटालिटी आप समझ नहीं पाएंगी, उसका क्लास ही अलग है। माइंड योर लैंग्वेज, मेरा क्लास खराब है? मेरा क्लास क्या खराब है? मेरी फेंकी हुई रोटी से तुम्हारा घर चलता है समरेश चट्टोपाध्याय, मेरे उन्हीं पैसों से तुम्हारी किताब छप रही है, मेरे उन्हीं पैसों से तुम्हारी पब्लिसिटी हो रही है, मेरे उन्हीं पैसों से तुम एक दिन सफलता की ऊंचाई पर पहुंचोगे। जरूरत नहीं है पैसों की, आपने सुना, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, लेकिन कल वो हेडलाइन किसी भी कीमत पर नहीं छपेगी। क्या लिख रही थी आप? ओ, आप यही रिपोर्ट लिख रही थी ना? छोड़ो, क्या कर रहे हो समरेश, छोड़ो इसे समरेश। All data deleted. तुमने डिलीट कर दिया?
तुम मुझे जानते नहीं हो समरेश। सॉरी, कौशिकी का इतना नुकसान मैं होने नहीं दूंगा। उसने बहुत मेहनत से धीरे धीरे ये एम्पायर खड़ा किया है, जिसे मैं कोई नुकसान होने नहीं दूंगा। दिव्या सेन, समरेश, आई हेट यू। यस, यू कैन हेट मी, लेकिन उस एम्पायर में छोटी सी एक प्रिंसेस भी है। उस प्रिंसेस का नाम है काकोन, मेरी बेटी। मेरी बेटी काकोन, वो जिस परिवार में रहेगी, जिस घर में रहेगी, वो घर मेरे लिए मंदिर के समान है, और उस मंदिर की पवित्रता को मैं नष्ट नहीं होने दूंगा, बिल्कुल भी नहीं। और अगर आपने ऐसी कोशिश की तो आप मुझे जानती नहीं है दिव्या सेन। मैं आपकी इतनी सारी तैयारियां, आपकी बुक लॉन्च, आपकी लड़ाई, सब कुछ बर्बाद कर दूंगा, सब कुछ। मैं उस दिन आपके प्रोग्राम में जाऊंगा ही नहीं। एंड आई मीन इट, यस आई मीन इट। मैडम, क्या है? इतनी देर से जो आपने लिखा वो सब तो डिलीट कर दिया। वो सब कुछ रिवाइव किया जा सकता है, लेकिन इस वक्त अगर ये हेडलाइन छापी गई तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्यों? ट्रंप कार्ड खेल कर गया है समरेश। उसने कहा वो प्रोग्राम में नहीं जाएगा, लेकिन मैं तो उसे उस प्रोग्राम में लेकर आऊंगी, एट एनी कॉस्ट। तो फिर ये रिपोर्ट? फिलहाल फोन करके बता दो कि कल की हेडलाइन में मुखर्जी हाउस की न्यूज नहीं छपेगी। हेलो जगधात्री। जी साधुदा। चंद्रनाथ मुखर्जी यहाँ आए थे। उन्होंने बहुत सारे सवाल उठाए हैं। तुम्हारे हाथ में बंदूक क्यों थी? इस डिपार्टमेंट के साथ तुम्हारा क्या संबंध है? अभी तक शायद वो उलझे हुए हैं, लेकिन धुंध छटते छटते एक दिन तो रोशनी सामने आ ही जाएगी। तब तो वो जान ही जाएंगे कि तुम ही जय सान्याल हो। लेकिन उससे पहले तुम्हें कुछ बातें जान लेनी चाहिए। क्या? एक मिनट, मैं तुम्हें एक रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ, सुन लेना। तुमने सुना? जी हाँ सुना, ये तो देबू भैया की आवाज है। हाँ देबू, परम महापुरुष बोल रहे हैं कि वो खून करने नहीं गए थे, लेकिन ये आदमी देबू है ना, बहुत चालाक है, कुछ ज्यादा ही धुरंधर है। वो जानता है कि उसकी पत्नी के साथ उसकी बातें रिकॉर्ड हो सकती हैं, शायद इसीलिए कंफ्यूज कर रहा है, केस के नजरिए को घुमाकर हमें गुमराह कर रहा है। फिर भी जगधात्री, एक बार के लिए ही सही, अगर मान लिया जाए कि वो सच बोल रहा है तो फिर चिंता मत कीजिए साधुदा, कोई भी क्लू नहीं छोड़ूंगी। ये केस खत्म होकर भी खत्म नहीं हुआ। अगर उसकी बात को सच मान ले तो फिर तीसरा भी कोई शामिल हो सकता है, लेकिन कौन है ये तीसरा आदमी साधुदा? बोलो। एक नाम बताती हूँ, उसकी डिटेल्स मुझे आज रात तक चाहिए, हर एक इन्फॉर्मेशन चाहिए। क्या नाम है उसका? उर्मिला मुखर्जी। स्वयंभू! जगधात्री का जे ए और सान्याल का एस, जैस, क्यों है ना? ऐसे खड़े मत रहो, ये सिंदूर उसकी मांग में भर दो, और ऐसा नहीं किया तो फिर मैं मान लूंगी कि तुम दोनों इस परिवार में किसी गलत मकसद से आए हो। जगधात्री, ये नहीं हो सकता। मैं बोल रही हूँ सिंदूर लगा दो। जगधात्री, एक बात आप याद रखिएगा, सच्चाई को सामने लाने के लिए मैं
सब कुछ कर सकती हूँ। इतनी रात को क्यों फोन किया तुमने? जगदात्री की शादी में कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? ये जानकर तुम क्या करोगे? नहीं, मैं कुछ नहीं करूंगा, लेकिन जानती हो क्या कौशिकी, श्री राम जी को सेतु बनाने में एक गिलहरी की भी जरूरत पड़ी थी। देखो समरेश, बहुत रात हो गई है, मैं बहुत टायर्ड हूँ, प्लीज अभी फोन रखो। एक मिनट कौशिकी। तुम में आज भी वही अहंकार, वही उद्दंडता और वही एटीट्यूड है कौशिकी। होगा ही, कुछ नहीं कर सकते। कौशिकी मुखर्जी में एटीट्यूड नहीं होगा तो क्या तुम्हारे जैसे एक बोहिमियन लेखक में एटीट्यूड होगा? तुम्हारी जिंदगी में है ही क्या समरेश? क्या है? कुछ नहीं है, जस्ट अ बिग जीरो रख रही हूँ। फोन रखो, लेकिन उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है। कल के दिन जो भी हेडलाइन बना रही हो, जो भी कर रही हो, प्लीज मत करो। देखो कौशिकी, अपने परिवार के बारे में लिखने की जरूरत नहीं है। ये सब क्या बोल रहे हो समरेश? अब क्या तुम दिव्या सेन की तरफ से मीडिएटर का काम कर रहे हो, कैटलिस्ट का काम कर रहे हो, अब उसकी तरफ से वकालत कर रहे हो? तुम ये सब मुझे समझा रहे हो? प्लीज कौशिकी, मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि कल दिव्या सेन के न्यूज़पेपर में मुखर्जी परिवार के किसी इवेंट के बारे में कुछ नहीं छपेगा, एक अक्षर भी नहीं छपेगा। सुनो, तुम्हारी बातों पर मुझे यकीन नहीं है। तुम्हारी बातों पर मुझे यकीन नहीं है क्योंकि तुम्हारे साथ दिव्या सेन की शादी हो रही है। तुम अब उसकी कंपनी में काम करते हो, उसकी कंपनी तुम्हारी बुक लॉन्च कर रही है, तुम्हारी उपन्यास लॉन्च कर रही है। ये सब जानने के बाद मैं तुम पर यकीन कैसे करूं? एक बार यकीन करके धोखा खाया है समरेश, अब और नहीं। कौशिकी प्लीज, एक बार और विश्वास कर लो, धोखा नहीं खाओगी। तुम्हारा वो मुखर्जी हाउस, तुम्हारा वो महल जैसा घर मेरे लिए मंदिर के समान है, क्योंकि वहां मेरी बेटी, मेरी प्रिंसेस, मेरी काकुन रहती है। कौशिकी, मैं जानता हूं कौशिकी, मैं बहुत बुरा पति हूं, मैं एक बहुत बुरा इंसान हूं, लेकिन तुम ये कभी नहीं कह पाओगी कि मैं एक बुरा पिता, क्योंकि मैं अपनी काकुन को पागलों की तरह प्यार करता हूं। कौशिकी, पागलों की तरह प्यार करता हूं, और उसी काकुन के सर की कसम खाकर कहता हूं कौशिकी, प्लीज अपने न्यूज़पेपर में ये सब मत छापना। दिव्या सेन को मैंने समझा दिया है कि काकुन ही मेरी जिंदगी है, और वो काकुन जहां रहती है, जिस परिवार में रहती है, उस परिवार के बारे में अगर एक अक्षर भी छापा तो क्या? कुछ नहीं, हो सके तो यकीन करना इस बात पर। हेलो हेलो समरे, समरेश, एक बार और विश्वास कर लो, धोखा नहीं खाओगी। मैं अपने काकुन को पागलों की तरह प्यार करता हूँ कौशिकी, और उसी काकुन के सर की कसम खाकर कहता हूँ कौशिकी, प्लीज अपने न्यूज़पेपर में ये सब मत छापना। दिव्या सेन को मैंने समझा दिया है, और वो काकुन जहाँ रहती है, जिस परिवार में रहती है, उस परिवार के बारे में अगर एक अक्षर भी छापा तो क्या? कुछ नहीं, हेलो हेलो भास्कर, मैंने तुम्हें कॉल करके जो लिखने को कहा था ना कि हमारे घर में कातिलों का हमला हुआ था, वो लिखना अभी बंद कर दो। हाँ, लिखना स्टॉप कर दो, और सर्कुलेशन बढ़ाने की जरूरत नहीं, जो जैसा है वही रहेगा। मैं जो बोल रही हूँ वो करो। यकीन तो करना चाहती थी समरेश, यकीन किया था मैंने तुम पर, जिसकी वजह से आज मेरी बेटी सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती। आज तक मैंने माँ शब्द नहीं सुना, कब से इस इंतजार में बैठी हूं कि कब एक बार काकुन मुझे मां कहकर बुलाएगी। कौशिकी मुखर्जी अमीर है, कौशिकी मुखर्जी सक्सेसफुल है, कौशिकी मुखर्जी एडिटर है,
कौशिकी मुखर्जी ऐसी है वैसी है, सब कुछ सुना, अभी तक माँ शब्द नहीं सुना, अभी तक नहीं सुना समरेश, जस्ट फॉर वंस काकुन मुझे माँ कहकर पुकारे, माँ पुकारे बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए समरेश, मुझे और कुछ नहीं चाहिए।